नमस्कार, मैं हूं चंदन। बिहार के सिवान ज़िले से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि बिहार का सिवान ज़िला, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह ज़िला है, और यहां की जो दुर्दशा है, जो स्वास्थ्य की यहां पे व्यवस्था है, उस तस्वीर को हम दिखाएंगे। जिस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बिहार के सिवान ज़िले में एक व्यक्ति की तबीयत ख़राब होती है, जो कि सिवान ज़िले के से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है मैरवा। मैरवा प्रखंड के सिसुआ गांव का एक व्यक्ति है जिसकी अचानक तबीयत ख़राब होती है, और उसके परिजन रविंद्र पाल जो हैं वो लगातार एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं सरकारी एम्बुलेंस पे भी, लेकिन किसी के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। और अंत में जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, स्थिति बहुत ही ख़राब होती है, तो फिर वो एक गाँव के ही ठेले पर अपने परिजन को लेकर के जो मरीज़ है उसको अस्पताल पहुँचाने के लिए निकल जा रहे हैं। तो आपको फिर से हम बताते चले कि काफ़ी शर्मनाक तस्वीर आई है बिहार के सिवान ज़िले के मैरवा से, जहां पर इस तस्वीर को देखने के बाद से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। मंत्री मंगल पांडे जी कहां हैं, इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर आपके गृह ज़िले की तस्वीर है, जहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, और एक जो मरीज़ है वो मरीज़ ठेले पर जा रहा है अस्पताल में। उसके परिजन जो है रविंद्र पाल, वो अपने मरीज को बचाने के लिए एक ठेले पर लेकर के और मैरवा के रेफरल अस्पताल में जा रहे हैं। जब रास्ते में लोग देखे तो लोग देखकर भी इस तस्वीर को लगातार चर्चा करने लगे कि बताइए, ये हमारे सिवान ज़िले के मंत्री हैं, उसके बाद से ये हाल है जब इस ज़िले का, तो फिर बिहार के और स्वास्थ्य व्यवस्था की और ज़िले में क्या कुछ आलम होगा। तो फिर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं सबसे पहले, कि कैसे बिहार के सिवान ज़िले के मैरवा प्रखंड के सिसुआ गाँव में एक व्यक्ति की तबीयत ख़राब होती है, और उसके बाद से जब एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो उन्हें उनके परिजन एक ठेले पे लाद करके और किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां पर उनकी जान बचाने के लिए मरीज के परिजनों से बात होती है। तो लगातार उनका आरोप है कि हम लगातार कॉल किए, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस वाले उन्हें सेवा नहीं दी, ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था मिली, जिसके बाद से अंत में हम लोग थक हार करके और अपने जो परिवार के लोग हैं, इनको जो हमारे मरीज हैं, इनको हम मैरवा के रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुँचे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कि बिहार के सिवान ज़िले की यह तस्वीर है, जहां मैरवा के सिसुआ गांव के एक व्यक्ति की अचानक तबीयत ख़राब होती है और उसे ठेला पर ले जा करके और रेफरल अस्पताल ले जाया जाता है। मंत्री जी, इस तस्वीर को देख करके बिल्कुल तमाम सिवान ज़िले के लोग शर्मसार हो रहे हैं, और इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके ज़िले का क्या आलम है, क्या कुछ हाल है। बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्था बताई जा रही है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा, लेकिन उनके ज़िले गृह ज़िले का क्या कुछ आलम है, क्या कुछ हाल है, इस तस्वीर को देख करके बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की तबीयत ख़राब होती है, उसे एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल पाती है, अंत में वह व्यक्ति थक हार करके किसी तरीके से अपने मरीज को, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए एक ठेले पे लाद करके और बिल्कुल इस तपती धूप में वो अस्पताल लेकर के जा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं माना जाए कि जो आपकी व्यवस्था है बिल्कुल चौपट हो गई है, वो व्यवस्था किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तमाम केवल कागजों में केवल घोषणाएं हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई हकीकत किसी तरह की कोई नहीं दिखाई दे रही है। फिर से हम एक बार आपको बताते चलें कि मंत्री जी, अगर तनिक भी इस तस्वीर को देखने के बाद से आपके अंदर किसी भी तरह की मानवता नाम की चीज़ हो मंत्री जी, तो बिल्कुल आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर कार्रवाई करें कि आखिरकार क्यों नहीं एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई गई, आखिरकार कहाँ रह गए मैरवा के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, कहाँ रह गए सिवान के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, कि जो आपका गृह ज़िला है, जो कि काफ़ी लोगों की उम्मीदें थी कि मंगल पांडे हमारे गृह ज़िले के पुत्र हैं, और उसके बाद से यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है, इस तरीके से कि एक व्यक्ति की जब तबीयत ख़राब होती है तो उसे एक ठेले पर लाद करके और अस्पताल पहुँचाया जाता है। तो इसी तरीके से आप देखिए, और इस खबर को देखने के बाद से अब बिल्कुल मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं रही, बिल्कुल मानवता जो है शर्मसार हो गई है। तमाम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार यह कैसी स्थिति हो गई है कि एक जब स्वास्थ्य मंत्री के गृह ज़िले का जब यह आलम है, तो बिहार के अन्य ज़िलों की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या कुछ हाल होगी, इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिवान से चंदन कुमार। ले जा रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले के पास, सरकारी एम्बुलेंस वाले के पास 10 बार फ़ोन किए हैं, वो अभी फ़ोन नहीं उठाया है। उसके बाद से हम कोई ना कोई व्यवस्था करके ठेला पर ले जा रहे हैं, और कहीं ट्रीटमेंट कराएंगे सरकारी हॉस्पिटल में गए जाने के बाद वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, तो प्राइवेट में कहीं ना कहीं कराना पड़ा था। अच्छा। लोग कहीं कराए गए। अच्छा,
कहाँ घर है आपका? घर से सुबह खुद है। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं मिला? ना, एम्बुलेंस नहीं मिला। क्या नाम है आपका? कौशल किशोर पाल। कौशल क्यों किशोर पाल?